बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू किड्स। मिस नाज़िया आपके साथ हैं ECE के पीरियड में, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, है ना। आज का टॉपिक क्या है हमारा? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, देखें, जब भी अगर हम हैप्पी होते हैं या फिर हम सैड होते हैं या फिर बहुत ही अच्छा अच्छा सा फील कर रहे होते हैं किसी के लिए, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं लव फीलिंग्स होती हैं, तो ये जो है ना वो सारी क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। हम महसूस कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। मीन्स जब हम सैड होते हैं तो हम थोड़े से अंदर से जो है ना, हम हमारी फीलिंग्स जो है वो सैड सी हो रही होती हैं, हम थोड़े डल हो रहे होते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। ऐसे ही होता है ना जब हम सैड होते हैं तो, और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमें सब अच्छा लग रहा होता है, हम बहुत खुश होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, है ना। तो अब हमें अपनी फीलिंग्स को जो है वो क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस भी करना चाहिए, है ना। यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओके। तो अब जैसे अगर हम हैप्पी हैं, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हमें किसी ने जो है वो सरप्राइज दिया है कोई, है ना, तो हम हैप्पी हो गए। तो अब हमें जो है ना वो बस इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बस जो है वो बस ठीक है, इट्स ओके। हमें बहुत अच्छे से खुल कर अच्छे से हैप्पी होना चाहिए, है ना। अगर हमारे जो है वो मम्मा ने हमें जो है वो कुछ बहुत अच्छा सा जो है वो सरप्राइज़ दिया है, कोई अच्छी सी डिश हमारे लिए बनाई है और वो हमारी फेवरेट डिश है, तो हम क्या हो गए, हैप्पी हो गए। तो जब हम हैप्पी हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। पहले तो मम्मा को बहुत अच्छे से, मम्मा आई एम सो हैप्पी, क्या कहना चाहिए मम्मा को, मम्मा से, मम्मा ने आपको अच्छी सी आपके लिए फेवरेट डिश बनाई है ना आपके लिए, तो आप बहुत हैप्पी हो गए। तो आपको मम्मा से शेयर करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए कि मम्मा ये तो मेरी फेवरेट डिश थी जो आज आपने बनाई है, आई एम सो हैप्पी। और मम्मा को हग करना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए अगर आप हैप्पी होते हैं। जब जब आप हैप्पी होते हैं तो आपको उसी तरह से अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि आई एम सो हैप्पी। कैसे बताएंगे, जब भी आप हैप्पी होंगे तो आप खुश हो के अच्छे से आप शेयर करेंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे और कहेंगे भी कि मम्मा आई एम सो हैप्पी। या अगर आपके फ्रेंड ने आपको सरप्राइज़ दिया है, या आप कहीं जो है वो कहीं भी कुछ अच्छा सा हुआ है और आप हैप्पी हो गए, तो आपको इसको बाय वर्ड्स बोलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं बस हैप्पी हो गए, इट्स ओके, अच्छा लग रहा है, नहीं, आपको क्या है, आपको कहना भी है, यू शुड से, कहना भी है आपको कि आई एम सो हैप्पी। और एक और बात आपको अल्लाह से भी कहना है कि आई एम सो हैप्पी, अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, शुक्र भी अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है, अच्छे से कहना है, दिल से कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। इस तरह से अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करेंगे। जब जब हैप्पी होंगे तो आप क्या करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, और जिसने भी आपको हैप्पी किया है उसको अच्छे से, उसको जो है वो हग करेंगे, उससे मिलेंगे और कहेंगे आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, जिस वजह से भी आप जो है वो हैप्पी हुए हैं, ठीक है। तो आज से जब भी आप हैप्पी होंगे, आप पहला काम शुक्र अदा करेंगे, और क्या करेंगे,
आप अपने बाय वर्ड आप कहेंगे आई एम सो हैप्पी, ओके, और जो रीज़न है वो बताएंगे कि जो भी रीज़न है, अगर आपने किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो आप कहेंगे ओ आपने मुझे इतना अच्छा सा गिफ्ट दिया, ये तो मुझे बहुत पसंद है, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू करेंगे, अच्छा सा थैंक्स कहेंगे उसको भी, है ना। और अगर आप जो है वो सैड भी तो हो जाते होंगे ना, जब आप सैड होते हैं तो फिर आपको क्या करना है, कुछ बच्चे सैड हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो सैड हो गए हैं, है ना। जब आप सैड हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब सैड हो जाते हैं, उन्हें कुछ बुरा लगता है, कोई उन्हें डांट देता है या उनकी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ नहीं हुआ हुआ होता, मींस तो वो फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई हर्ट कर दे तो वो सैड हो जाते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं वो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, है ना, और फिर जो है वो किसी से बात नहीं करते, लेकिन पता नहीं चलता कि ये सैड हैं, ये बच्चे सैड हैं, तो उन्हें जो है वो शेयर करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए बाय वर्ड्स बोलना चाहिए, साइलेंट नहीं रहना चाहिए, यू शुड से द रीज़न, आपको अपनी रीज़न सैडनेस की रीज़न जो है ना वो बतानी है, वो शेयर करनी है अपने पापा से, अपने फ्रेंड्स से, या जो भी आपके जो है वो क्लोज़ है, आपके दादा या आपकी जो है वो नानी, जो भी आपके क्लोज़ है, अक्सर ऐसा होता है ना दादा से बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप होती है आपकी, तो अगर आप सैड हैं तो फिर आप उनको जाके बताएं कि मैं यूँ इसलिए सैड हूँ, रीज़न बताएं ना ताकि पता चल जाए, या मम्मा को बताएं कि मम्मा आई एम सो सैड बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि मैं सैड हूँ, आप बताइए आई एम सो सैड, आई एम सैड बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि इस वजह से मैं सैड हूँ, बिकॉज ऑफ जो भी रीज़न है, किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप बताइए कि मेरी जो है वो बहुत हर्ट फीलिंग्स हैं, मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा है ये बात जो मुझे किसी आपके किसी स्कूल में आपके किसी फ्रेंड ने अगर आपको जो है वो इरिटेट किया है, किसी ने आपको पंच किया है, किसी बच्चे ने वैन में तंग किया है आपको, आपकी सीट पे बैठ गया या कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज़ होती, छोटी छोटी बातें होती है ना जिनसे बच्चे हर्ट हो जाते हैं, है ना, और फिर वो सैड हो जाते हैं और फिर वो घर पर आकर खाना भी नहीं खाते और बताते भी नहीं है मम्मा को, मम्मा परेशान कि मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा, ऐसा होता है ना अक्सर बच्चे जब सैड होते तो इस तरह से करते हैं ना, लेकिन रीज़न नहीं बताते कि मैं इस वजह से सैड हूँ, तो जब भी आप सैड होंगे तो आप बोलेंगे, आप शेयर करेंगे, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं इसलिए सैड हूँ, जब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो फिर आपकी सैडनेस कैसे दूर होगी, आप तो फिर सैड ही रहेंगे, उसी बात को आप सोचते ही रहेंगे, ऐसे ही होगा ना, अगर आपको जो है अगर किसी ने जैसे आपको फॉर एग्जांपल वैन में किसी बच्चे ने आपको जो है वो मार दिया, ठीक है, आपके बैग खोला या आपके साथ जो है वो कोई भी जो है वो अच्छी सी मिसबिहेव किया, है ना, ऐसा होता है ना अक्सर नॉटी बच्चे होते हैं ना वो मिसबिहेव करते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है आप हर्ट हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्कूल से जब आप लोग वापस आ रहे होते हैं ना तो बच्चे बहुत टायर्ड होते हैं, तो जो नॉटी किड्स होते हैं ना तो वो क्या करते हैं मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो जब आपका फिर क्या होता है आपका मूड ऑफ हो जाता है और आप सैड हो जाते हैं, और फिर आप घर पर आते हैं तो फिर किसी से कुछ नहीं बताते, एक साइड में बैग रखा और कॉर्नर पे चले गए और खाना भी नहीं खा रहे, अब आप अगर मम्मा को बताते हैं कि मम्मा
आई एम सो सैड बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ जो है वो ये मिसबिहेव किया। इस तरह से आप बताते मम्मा को, क्या बताते कि मम्मा मुझे जो है ना आज इस मेरे जो एक मेरा फ्रेंड था उसने जो है वो मेरे साथ मिसबिहेव किया और आई एम सो सैड। तो मम्मा आपसे रीज़न पूछती कि क्यों किया भाई मिसबिहेव, और आप उनसे शेयर करते। तो मम्मा आप जब मम्मा से अपना जो सैडनेस शेयर करते ना तो आपकी सैडनेस खुद बहुत दूर हो जाती है। मम्मा आपको प्यार करती हैं, आपको समझाती और कहती ठीक है मैं वैन ड्राइवर को कहूँगी कि इस बच्चे को जो है ना वो डांटें और जो है वो कहें कि जो है वो, और फिर आपको सलूशन भी मिलता है। पता है जब आप जो है ना अपनी सैडनेस उसकी रीज़न बताते हैं ना तो आपको क्या मिलता है उसका सलूशन, जो आपके जो बड़े होते हैं ना कि मम्मा आपके पापा, तो वो उसको सॉल्व करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि अब जो है वो मेरा बच्चा जो है वो सैड ना हो, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं ना। हमारे जो बड़े होते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो जब हम सैड होते हैं ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा जो बेटी है, ये मेरी अच्छी सी प्यारी सी डॉल है, या मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है, ये कभी भी सैड ना हो, ऑलवेज ये हैप्पी रहे। तो फिर जब आप उनको कहेंगे, आप बाय वर्ड्स उनको बताएंगे, आप खामोश नहीं रहेंगे, साइलेंट नहीं रहना, तो फिर वो क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपकी रीज़न वो ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस बच्चे ने आपको सैड किया है, मिसबिहेव किया है और आप सैड हो गए हैं और आपने वो रीज़न बताई कि ऐसा हुआ था मम्मा वो मेरी मुझे सीट पे जो है वो पंच कर रहा था और मुझे जो है वो धक्के दे रहा था और मुझे हटा रहा था, मैं बहुत हर्ट हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे, वैन ड्राइवर को बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना। अगर आप ख़ुद से खामोश रहते तो पता ही नहीं चलता उनको, और फिर आप वो रोज़ आपको डेली तंग करता और फिर आप डेली सैड रहते। अब आपने अगर शेयर कर लिया तो इस तरह से अब वो क्या करेंगे, वो वैन ड्राइवर को बताएंगे, फिर वैन ड्राइवर अंकल जो है ना वो इस बच्चे को मिसबिहेव नहीं करने देंगे। इस तरह से जब भी कोई भी रीज़न हो, कभी भी आप सैड हो तो आप शेयर करेंगे। ओके, यू शुड से, आपको कहना है, आपको बताना है कि आई एम सो सैड, तो फिर आपकी जो है सैडनेस जो है वो उसको सॉल्व करेंगे आपके बड़े। तो ठीक है, तो फिर आज से आप जब भी सैड होंगे तो शेयर करेंगे ना, बताएंगे ना, अपनी टीचर को भी बताएंगे। और अगर जो बच्चे साइलेंट रहते हैं ना, किसी से कुछ नहीं कहते, जब हैप्पी होते हैं तो भी कुछ नहीं कहते, जब सैड होते हैं तो भी नहीं बताते सैडनेस की रीज़न, जब एंग्री होते हैं तो भी नहीं बताते, तो फिर उनको क्या करना होता है, और जब हंग्री होते हैं तो भी नहीं बताते, तो फिर वो बच्चे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, है ना, परेशान रहने लगते हैं। तो आप किसी को परेशान नहीं रहना, ठीक है, आप खुश रहना है, ओके, अच्छे अच्छे से रहना है, मज़े से रहना है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और आप जो है वो नाज़िया को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।